जय हिंद, नमस्ते। आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट फॉर एजुकेशन परिवार में। और आज की शानदार लेटेस्ट अपडेट आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए है। जी हाँ, यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है, जो कि वैकेंसी आप लोगों की है अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2023। जी हाँ, आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। 5,450 पोस्ट है। सारी की सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे यंत्र इंडिया लिमिटेड YIL ऑर्डनेंस फैक्ट्री की तरफ से आप लोगों के लिए 2023 के लिए भर्ती निकाला गया है अप्रेंटिस पोस्ट की। ओके, अलग अलग जो ट्रेड है उनके लिए निकाला गया है। तो देखिए, डिटेल वाइज यहाँ पे देखने वाले हम जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का 9 जनवरी को अपडेट कर दिया गया था। देन गाइस, यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार की आईटीआई से संबंधित सारी की सारी जॉब, ओके, सारी की सारी जॉब आप लोगों को अगर करना है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे तुरंत आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन मिल जाता है, जितनी भी आईटीआई से रिलेटेड संबंधित जॉब आती है, ओके, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो देखिए, यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है, किसकी तरफ से निकाली गई है? YIL ऑर्डनेंस फैक्ट्री की तरफ से निकाली गई है। जिन्होंने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है या नॉन आईटीआई ट्रेड 10वीं वालों के लिए भी अलग से अप्रेंटिस की वैकेंसी यहाँ पे निकाला है ऑर्डनेंस फैक्ट्री ने। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अगर इच्छुक है तो आवेदन कर सकता है। जी हाँ, और अप्रेंटिस करने का बेनिफिट आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। अभी हाल ही में जो रेलवे की एग्जाम हुई थी ग्रुप डी की, उसमें गाइस यहाँ पे आईटीआई वालों को एक बेनिफिट दिया गया है। जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखा है उनके लिए क्या अप्रेंटिस यानी बेनिफिट दे रखा है, तो उनको फिजिकल देने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के बेनिफिट अदर भी जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है उनमें यहाँ पे अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को लाभ देखने को मिलता है। जी हाँ, टेक्निकल की भी जितनी एग्जाम होती है उनमें भी बेनिफिट मिलता है जिन्होंने अलग से करके रखा है, ओके, अप्रेंटिस। तो देखिए, टोटल यहाँ पे डिटेल जानने वाले हम आप लोगों का, जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे देखने वाले। तो एप्लीकेशन बिगेन जनवरी 4th वीक, चौथे सप्ताह में, यानी जनवरी के चौथे सप्ताह में इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। तो तभी आप लोगों का जो है पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगा डिटेल वाइज, ओके। डिटेल वाइज नोटिफिकेशन का भी वीडियो बना दिया जाएगा आप लोगों का, ओके। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कोई नहीं लगने वाली है, ये आप लोगों के लिए एक और बेनिफिट है। देन आयु सीमा क्या रहने वाली, तो मैक्सिमम 15, और यानी जो मिनिमम एज है 15 साल, और मैक्सिमम 24 साल वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आप लोगों को दिया जाएगा, आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। देन गाइस, यहाँ पे 5,450 पोस्ट यहाँ पे बता चुका हूँ मैं, जिसमें से यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेड के लिए आईटी वाले कैंडिडेट के लिए 3,514 पोस्ट होना चाहिए। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटीआई वालों का क्या रहने वाला है, तो गाइस यहाँ पे 10th आप लोगों को 50% से पास आउट होना चाहिए। देन आगे बात कर लूँ तो आईटीआई का जो है एनसीवीटी सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, ओके। देन आगे बढ़ते गए तो आगे आप लोगों का देखिए, जैसे कि नॉन आईटीआई के कैंडिडेट की बात कर लूँ तो 1936 रुपये यहाँ पे, नहीं, 1936 पोस्ट यहाँ पे आप लोगों की निकाला है। इसमें भी 10th हाई स्कूल जो है 50% मार्क्स से मांगा है। देन गए यहाँ पे आप लोगों का जो है अलग से विथ 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इच, ओके, यानी ये जो निकाला है अप्रेंटिस, ओके। देन अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग गाइस, तो क्या क्या यहाँ पे आप लोगों को जो बताया मैंने कि आपका फॉर्म जो है वो 4th वीक में, कब 4th वीक में स्टार्ट होगा अप्लाई करना। जो लिंक आप लोगों को अवेलेबल होगी फॉर्म अप्लाई करने की वो यहाँ पे कब होगी, लिंक 4th वीक में होगी। देन ये आप लोगों का शॉर्ट नोटिफिकेशन है जिसमें कम डिटेल्स है। जब भी डिटेल वाइज नोटिफिकेशन आप लोगों का जो है वो 4th वीक के पहले आ जाएगा, ओके, करीब करीब, तो यहाँ पे आप लोगों का एक अलग से वीडियो भी बना दिया जाएगा डिटेल वाइज, ओके। थैंक यू गाइस। इसी प्रकार की शानदार गवर्नमेंट जॉब और आईटीआई संबंधी जॉब पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।